वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करूंगी। हम जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल के साथ में लिगेंड्स अप्रोच करते हैं और लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं, उनकी बॉन्डिंग के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई। इससे पहले हम संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जिसमें कि मेटल होती है और उसके चारों तरफ लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं, लिगेंड्स जो हैं वो मेटल को अप्रोच करते हैं, तो उस स्थिति में बॉन्डिंग किस प्रकार की होगी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेथे ने ये बताया कि जो नेगेटिव आयंस हैं यानी कि जो लिगेंड्स हैं और उनका इफ़ेक्ट मेटल के ऑर्बिटल्स पर किस तरह से होता है जबकि लिगेंड्स जो हैं वो मेटल को अप्रोच करते हैं। हम जानते हैं कि मेटल के पास जो कि ट्रांजिशन मेटल है, डी कक्षक उपस्थित होते हैं। यहाँ पांच डी कक्षक होते हैं और इनिशियली हम ये मानते हैं कि पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान है, यानी कि डी कक्षकों की डीजेनरेसी है, उनमें ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है। अब जब उस मेटल की तरफ लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो ये डीजेनरेसी बनी भी रह सकती है, यानी कि इन डी कक्षकों की जो ऊर्जा है वो उसी तरह से बराबर भी रह सकती है और लिफ्ट भी हो सकती है, यानी कि उनमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग ऊर्जा पर हो जाते हैं। गैरिक नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बंध है उसकी नेचर प्योरली आयनिक है। अब हम ये देखते हैं कि जब मेटल की तरफ लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो यहाँ दो तरह के बल यानी कि फोर्सेस काम करते हैं। ये जो बल है वो है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस। अब आकर्षण किस किस के बीच में होगा, वो होगा मेटल के न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो मेटल न्यूक्लियस और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स है वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। इसी तरह से मेटल के पास में न्यूक्लियस के अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, साथ ही लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और चूँकि दोनों ही यानी कि मेटल और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, इसलिए उनके बीच में जो बल लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सिव फोर्स। अब हमें ये डिस्कस करना है कि मेटल और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन है यानी कि प्रतिकर्षण है वो कितना है और वो किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो मेनली दो फैक्टर्स हैं जो कि मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिकर्षण की मात्रा को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। अ पोजीशन ऑफ लिगेंड्स यानी कि लिगेंड्स की स्थिति डेफिनेटली मेटल के रिस्पेक्ट में यानी कि मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स किस तरीके से पोजिशनड हैं इस पर उस प्रतिकर्षण बल की मात्रा निर्भर करेगी। इसे हम बहुत आसानी से ही समझ सकते हैं कि यह उस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति पर निर्भर करता है, क्योंकि जो लिगेंड्स की पोजिशनिंग है उससे उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिसाइड होती है। लाइक अगर मेटल के चारों तरफ छः लिगेंड्स हैं जो कि चार तो एक सतह पर वर्ग के रूप में है और एक ऊपर और एक नीचे, तो वो ज्यामिति होगी ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह अगर मेटल के चारों तरफ चार लिगेंड्स हैं जो कि वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में स्थित हैं तो उसकी ज्यामिति डिफरेंट होगी और उसमें जो रिपल्सिव फोर्स है उसका जो माप है वो भी डिफरेंट आएगा। इसी तरह से अगर मेटल के चारों तरफ चार लिगेंड्स हैं जो कि स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल या किसी भी ज्योमेट्री के अंदर प्लेस्ड वो हैं तो उनमें जो रिपल्सिव फोर्स है वो अलग अलग आएगा। अब अगर फोर्स अट्रैक्शन का है
तो उससे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। और हम ये जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही अधिक उसका स्थायित्व आएगा। इसी तरह रिपल्सिव फोर्स ये डिसाइड करता है कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जितनी एनर्जी किसी भी सिस्टम में ज़्यादा होगी वो उसके अस्थायित्व का कारण होगा। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के रेफरेंस में किया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे MLN कॉम्प्लेक्स है, एक मेटल और n नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, तो उसमें बॉन्डिंग किस तरह से होगी। और इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये आवश्यक है कि हमें डी कक्षकों की शेप्स के बारे में भी पूरी जानकारी हो। अब आप ये जानते हैं कि जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसमें 5D ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 5D ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, DXY, DYZ, DZX, DX²Y² और DZ²। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसा कि इनके नाम से आपको दिख रहा है कि 3D कक्षक शुरू के हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, DXY, DYZ और DZX, जिसके नाम में स्क्वायर नहीं आ रहा है। और दूसरी कैटेगरी हमने कौन सी की, DX²Y² और DZ², जिनके नाम में स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ इनकी जो शेप्स हैं उनका वैसे तो आपको मालूम ही है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप डबल डम्बेल होती है, लेकिन उनका एक्सिस के प्रति जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग होगा। यानी कि सभी की शेप डबल डम्बेल होगी लेकिन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द एक्सिस डिफरेंट होगा। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जिन डी ऑर्बिटल्स के नाम में स्क्वायर नहीं आ रहा है उसमें जो लोब्स हैं डी ऑर्बिटल्स के, 4 लोब्स हैं, वो एक्सिस के बीच में होते हैं, यानी कि इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। जबकि वह डी कक्षक जिनके नाम में स्क्वायर आ रहा है जैसे कि DX²Y² और DZ², इनके जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। अब आप यहाँ देखिए इनकी ज्योमेट्री बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। हमने ऊपर शो किया है, सबसे पहले जो फर्स्ट जो रो है उसमें हमने शो किए हैं DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल्स। जनरली ये तीनों समान ऊर्जा पर हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, और हमने इनको बोला है T2। T2 का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा है वो कैसी है, समान है, बराबर है। अब इन तीनों डी ऑर्बिटल्स के रेफरेंस में आप देखिए कि इनके जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं। अब आप फर्स्ट डी कक्षक की ज्योमेट्री देखिए, यानी कि DXY की, और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ XY और Z एक्सिस बनाई है। तो DXY का मतलब क्या होगा कि जो लोब्स हैं वो X और Y एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, न कि X और Y एक्सिस के ऊपर। इसी तरह से DYZ, यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। इसी तरह से DZX जो कि तीसरे नंबर का यहाँ पे शो किया है, DZX का मतलब है कि यहाँ जो लोब्स हैं वो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। तो ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी ज्योमेट्री का जो तरीका है, स्टाइल है ड्रॉ करने का, वो एक सा है और सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, XY और Z एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद में लोब्स को उस हिसाब से सेट कीजिए कि जो भी एक्सिस आपको इसके नाम में दिख रही है उन एक्सिस के बीच में आपको लोब्स बनाने हैं। अब हम बात करते हैं बाकी के 2 डी ऑर्बिटल्स की, जो कि हैं DX²Y² और DZ². तो आपको पहले बताया है कि जिन डी ऑर्बिटल्स के नाम में स्क्वायर आ रहा है वो ये शो करता है कि यहाँ पर जो लोब्स हैं वो कहाँ हैं, एक्सिस के ऊपर हैं। तो अब यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है ई। ई का मतलब होता है डबली डिजेनरेट। डबली डिजेनरेट का मतलब 2 डी कक्षकों की जो ऊर्जा है वो समान है। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले मेंशन किया है DX²Y², यानी कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें 4 लोब्स होंगे क्योंकि ये डबल डम्बेल शेप है, तो जो लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हैं।
तभी इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ देखिए कैसे ड्रॉ किया है कि आप एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। जेड एक्सिस का यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि सिमेट्री रहे, सब कुछ ठीक रहे, इसलिए हमने यहाँ पर जेड एक्सिस भी शो की है। और लोब्स आप बनाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। अब हम बात करते हैं लास्ट डी जेड स्क्वायर की। और आपको जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पर हमने जो लोब्स हैं वो किसके ऊपर बनाए हैं, जेड एक्सिस के ऊपर बनाए हैं। तो जेड एक्सिस के ऊपर बनाने की वजह से इसका नाम हो गया डी जेड स्क्वायर। और साथ ही एक हमने बीच में एक रिंग बनाई है, और ये जो रिंग है वो किस प्लेन में होगी, एक्स वाई तल में होगी। तो इस तरह से हम डी ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो समझ सकते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आगे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और उनकी स्प्लिटिंग हमें शो करनी है। तो जब तक डी ऑर्बिटल्स की शेप हमारे दिमाग में नहीं होगी, तब तक हम उस पूरे प्रोसेस को नहीं समझ सकते। तो ये आज आपका था इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। थैंक यू।